अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो है वो हमने एचएसआरपी को जो है वो डिस्कस करना है। एचएसआरपी क्या होता है? ये होता है हॉट स्टैंड राउटिंग प्रोटोकॉल। हॉट स्टैंड राउटिंग प्रोटोकॉल ये सिस्को प्रोप्राइटरी है। इसके जो है वो दो वर्जन होते हैं, एक होता है एचएसआरपी वर्जन 1 और एक होता है एचएसआरपी वर्जन 2। ठीक है, ये सिर्फ सिस्को की जो है वो डिवाइसेस पे वर्क करता है, सिस्को के राउटर स्विच पे जो है ये वर्क करता है, क्योंकि ये सिस्को प्रोप्राइटरी है, ये एक जो है वो ओपन स्टैंडर्ड नहीं है। तो CCNA में जो है वो HSR, इसके जो है वो और भी दो हैं, एक होता है VRRP और एक होता है GLBP। लेकिन VRRP और GLBP जो होते हैं वो CCNP का हिस्सा है। CCNA में जो होता है वो सिर्फ HSRP को ही डिस्कस किया जाता है। तो HSRP क्या है और ये कैसे कन्फिगर किया जाता है, इसकी जो है वो अभी हम लैब जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने सिस्को का पैकेट रेसो जो है वो एक ओपन किया हुआ है। यहाँ से जो है वो मैं एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक लैब जो है वो HSRP की जो मैंने बना के रखी हुई थी, तो अभी जो है वो HSRP को जो वो ओपन कर लेते हैं। ये बेसिकली यूज़ होता है आपका स्टैंड बाय के लिए। हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं अपने स्टैंड बाय वर्जन के लिए। तो ये जो है वो मैंने एक जो है वो लैब ओपन की हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक राउटर है। ठीक है, ये राउटर है हमारे पास, तो ये राउटर पड़े हुए हैं और इसके अलावा ये स्विच जो है इनको जो है वो हम आपस में कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये जो राउटर है इसके जो है वो इंटरफेसिस को जो जो से IP जो है वो मैंने साइन किया है वो यहाँ से मैंने मेंशन किए हुए हैं कि किस इंटरफेस को जो है वो कौन सा IP जो है वो मैंने असाइन किया हुआ है। तो ये यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं, इन जो है जितने भी हैं इन सबको जो है वो मैंने IP एड्रेस जो है वो असाइन किए हुए हैं। इसके अलावा इस PC का जो IP है वो है 192.168.3.10 और इसके अलावा ये जो वाला IP इसका है 192.168.1.10। अच्छा, ये जो है वो मैंने IP साइन किए हुए हैं। यहाँ से हम चेक भी कर लेते हैं इसको, जो है वो यहाँ से हम बड़ा करते हैं। बड़ा करके मैं आपको जो है वो चेक भी करवा देता हूँ। CLI पे आएंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे, इनेबल में आएंगे, यहाँ पे हम करेंगे शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो ये आप देख सकते हैं कि फास्ट इथरनेट जो है उसको जो है 3.100 दिया हुआ है। इसके अलावा एक इंटरफेस को जो है वो 1. वाली सीरीज़ दी हुई है और एक इंटरफेस को जो है वो 2 वाली सीरीज़ दी हुई है और ये जो है वो अप जा रहे हैं। इसके अलावा जो है वो हमने किया हुआ है शो IP राउट। राउट शो IP राउट के थ्रू क्या किया हुआ है, हमने जो है वो रिप राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो चलाया हुआ है। एक राउटिंग प्रोटोकॉल रिप जो है वो हमने चलाया हुआ है, जिसके थ्रू जो है जितने भी राउटर और स्विच है उनको हमने कनेक्ट किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे R लिखा हो रहा है, इसका मतलब जो है वो हमने रिप चलाया हुआ है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है R का मतलब है रिप। ये जो है वो रिप क्या होता है, ये एक राउटिंग प्रोटोकॉल है। ये जो है वो राउटिंग प्रोटोकॉल जितने भी थे हमने डिटेल से जो है वो डिस्कस किए थे, उससे जो है वो वीडियो के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो रिप का जो है वो हमने कन्फिगर किया आपस में कम्युनिकेशन के लिए। इसी तरह जो है वो हम ये भी चेक कर लेते हैं, इस राउटर को भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो हमने क्या किया, इसके CLI पे आएंगे और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं शो IP राउट। तो इसका भी हमने राउटिंग प्रोटोकॉल रिप जो है वो चलाया हुआ है। इसके अलावा जो है वो हम देख लेते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि फास्ट इंटरनेट को जो है वो 1.100 दिया हुआ है और इसको जो है वो हमने 2.3 दिया हुआ है। इसी तरह हम ये तीसरा जो राउटर है इसको भी चेक कर लेते हैं कि इस पर क्या कुछ हमने जो है वो कन्फिगर किया है। इसके CLI पे आएंगे और इनेबल मोड में आएंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे शो IP राउट। तो इस पर भी जो है वो रिप जो है वो कन्फिगर किया हुआ है हमने, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पे हमने दिया है 1.50 दिया हुआ IP एड्रेस और 1.2 वाला जो है वो इंटरफेस साइन किया हुआ है। तो ये जितने भी इंटरफेस है ये सारे जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि इस इंटरफेस को कौन सा IP एड्रेस जो है वो साइन किया हुआ है। अच्छा, अब जो है HSRP क्यों यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है आपके बैकअप पर्पज़ के लिए। बिलफर्ज़ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें, अभी जो है वो मैं ये ख़त्म कर देता हूँ ये वाला। ओके, ये एरर कोई आ रहा है पैकेट ट्रेसर का, इसकी वजह मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। ये पैकेट ट्रेसर मेरा बंद हो रहा है।
मुझे लगता है इसको दोबारा जो है वो ओपन करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से पैकेट ट्रेसर जो है वो मैं दोबारा जो है वो ओपन कर लेता हूँ। गेस्ट लॉग इन करेंगे यहाँ पे, इसको जो है वो हम ख़त्म कर देंगे। अच्छा, ये अभी 10 सेकंड ले रहा है, इसके बाद जो है ये ओपन हो जाएगा। वो कोई एरर आ गया था, इस वजह से जो है वो पैकेट ट्रेसर बंद हो गया था। तो अभी जो है इसको दोबारा जो है वो मैं ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, कन्फर्म गेस्ट करेंगे तो ये जो है, ये देखिए हमारे पास जो है वो पैकेट ट्रेसर ओपन हो गया हुआ है। इसको जो है, अच्छा यहाँ पे जो है वो हम अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं, HSRP वाली। अच्छा, यहाँ पे जो है वो दोबारा IP जो है वो हमें लिखना पड़ेगा। और इस पे हमने IP दिया 192.168.1.10। अच्छा, पैकेट ट्रेसर जो है वो मैंने आपको बताया कि ये जो है HSRP जो हम यूज़ करते हैं बैकअप पर्पज़ के लिए, बिलफर्ज़ अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ ना हो। अब देखें, ये हमारे पास एक सिस्टम पड़ा हुआ है जो कि अकाउंट हाल में पड़ा है या परचेजिंग में पड़ा है या GM के पास पड़ा हुआ है। ये इसके आगे एक स्विच लगा हुआ है, ये राउटर लगा हुआ है, और यहाँ से हमारी ट्रैफिक जो है वो किसी दूसरे नेटवर्क में जा रही है। और ये कोई दूसरी ब्रांच जो है लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, जहाँ भी आप कह सकते हैं, या किसी दूसरी कंट्री में कह सकते हैं, वहाँ पे जो है वो हमारे पास एक PC पड़ा हो, इसको जो है वो पिंग करना है। तो यहाँ से जो है वो हमारी ट्रैफिक जो है वो जाएगी, इस रास्ते के थ्रू जो है वो हमारी ट्रैफिक जो है वो फ्लो करेगी। तो इस IP के तो थ्रू जो है वो हमें गेटवे देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा 1.100। तो यहाँ पे हम इसको जो है वो इसका IP चेक कर लेते हैं, ये है, इसको जो है वो 1.100 जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है हम इसकी पिंग चेक करते हैं, 192.168.1.10, हमने करना है 3.10 का। पहला पैकेट जो है वो आर में जाएगा, वो आपको पता है कि पहला पैकेट जो है वो आर में चला जाता है। पहला पैकेट आर में गया, रिक्वेस्टेड टाइम आउट जो है, तो ये देखें ये पिंग जो है वो उसकी स्टार्ट हो गई और पिंग जो है वो उसकी आ रही है। ये टाइम ले रहा है, ये देखें अब जो है वो उसकी पिंग जो है वो हमें प्रॉपर जो है वो उसका जवाब जो है वो रिसीव हो रहा है। अच्छा, अगर बिलफर्ज ये वाला जो हमारा रास्ता है ये ब्रेक हो जाए, या किसी वजह से ये वाला जो हमारा लिंक है ये डाउन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि हमारी ट्रैफिक जो है वो ख़त्म होगी, हमारा नेटवर्क जो है वो बंद हो जाएगा, हमारी कोई भी ट्रैफिक ना बाहर जाएगी ना हमारी ट्रैफिक जो है वो अंदर आएगी। इसका मतलब है हमारा जो है वो वर्किंग जो है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो इस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक बैकअप जो है वो राउट तैयार करते हैं, जिससे जो है वो अगर हमारा एक लिंक जो है वो एट अ टाइम डाउन भी हो जाए, तो हमारा जो है वो दूसरा लिंक जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो अप हो जाए। अब फर्ज़ है ये वाला लिंक जो है वो हमारा डाउन हो गया है, अगर ये, तो यहाँ पे जो है वो हमें एक जो हमने लिंक क्रिएट किया था उसको जो है वो दोबारा कन्फिगर करते हैं, स्विच टू स्विच जो है वो इसकी करते हैं। अब देखें, अगर बिलफर्ज ये वाला लिंक जो है वो हमारा डाउन होता है, तो हमारी ट्रैफिक जो है वो इस वाले रास्ते से जो है वो फ्लो करेगी। अभी जो है वो इस वाले रास्ते से फ्लो करी थी, क्योंकि हमने इसको जो है वो 1.100 जो है वो गेटवे दिया था, तो इस रास्ते से जो है वो फ्लो करी थी। अब हमारे पास एक ये गेटवे भी है 1.50, के मीन्स के हमारे पास दो गेटवे हैं। अगर हमारा एक गेटवे जो है एक लिंक डाउन भी होता है, तो हम जो है वो दूसरे गेटवे दे के हमारी ट्रैफिक जो है वो फ्लो करेगी। अभी जो है वो हमने 100 वाला दिया हुआ है गेटवे, ये आप देख सकते हैं कि 192.168.1.100 दिया हुआ है हमने। तो यहाँ से जो है वो हम पिंग चेक अगर करते हैं, तो ये देखें पिंग जो है वो हमारे पास प्रॉपर जो है वो वर्क पिंग जो है वो हमारे पास आ रही है। अब अगर जो है वो हमारा बिलफर्ज ये वाला लिंक डाउन हो जाता है, अब ये देखें ये लिंक जो है वो मैंने डाउन कर दिया। अब जो है वो हमारे पास ये वाला लिंक जो है वो बैकअप के तौर पे मौजूद है, जिसका गेटवे 1.50 है। तो हम इस सिस्टम पे जाएंगे, इसको जो है वो इसका गेटवे जो है वो कर देंगे 1.50, इसका जो है वो हमने गेटवे 1.50 कर दिया। अब जो है वो हम दोबारा पिंग चेक करेंगे, अब देखिए थ्री, अब जो है वो पिंग जो है वो 3.10 जो हमने की है वो पिंग जो है वो हमें आ रही है। अब हम इसको रियल इन्वायरमेंट पे भी चेक कर लेते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। इस वाले सिस्टम से हमने जाना है यहाँ वाले सिस्टम पे,
तो इसको कैप्चर करेंगे, ये डाटा ये स्विच के पास गया, ठीक है। गेटवे जो है वो हमने 1.50 दिया हुआ था, तो इस वाले गेटवे पे भी आ गया, और यहाँ से ट्रैफिक जो है वो आगे मूव करेगी। तो ये देखें, ये जो है वो ट्रैफिक हमारी जा रही है, और वहीं से जो है वो हमें जवाब मौसूल हो रहा है। तो ये जो है वो वापस जो है वो हमें आ गई, और ये हमारा पैकेट जो है वो सक्सेसफुल हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो है वो ये वाला लिंक जो है वो इसको हम दोबारा ओपन करते हैं, और ये लिंक हमारा जो है वो दोबारा ओपन हो गया। अब क्या करते हैं, हम जो हमारा ये वाला लिंक है हम इसको जो है वो डाउन कर देते हैं। ये लिंक जो है वो अब हमने डाउन कर दिया। अब हमारे पास ये वाला गेटवे है, अब हम ये वाला गेटवे जो है वो इसको असाइन कर देंगे। अब हम जो है इसको देंगे 1.100 वाला जो है वो हमने इसको गेटवे असाइन कर दिया। अब जो है वो हमारी इस ट्रैफिक जो है वो इस वाले आईपी से जो है वो फ्लो करेगी। तो ये देखिए, अब हम चार स्विच के पास जाएगी, ठीक है, और इस स्विच से जो है वो इस राउटर के पास चलेगी। अब जो है वो इस राउटर से जो है वो हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो वर्क करेगी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक लिंक जब डाउन होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक एक सिस्टम के पास जाना पड़ेगा, और हर सिस्टम के पास जाके बारी बारी जो है वो हमें उसका जो है वो गेटवे चेंज करना पड़ेगा। अगर बिलफर्ज हमारे नेटवर्क में कोई 200, 200, 300 कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो इट्स मीन हमें हर कंप्यूटर पर बारी बारी जाना पड़ेगा और उसका गेटवे जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो ये तरीका कि बहुत लंबा नहीं हो जाएगा, एक तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके अलावा कोई कभी कोई सिस्टम रह जाएगा, कभी कोई सिस्टम रह जाएगा, जिससे जो है वो बड़ी डिस्टर्बेंस होगी, और हमारा जो है वो डाउन टाइम भी काफ़ी आएगा नेटवर्क में, हमारे जो नेटवर्क में वर्किंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा रुक जाएगी। तो उस काम के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर दो जो है वो गेटवे हैं, हमारे पास दो लिंक है, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों राउटर पर जो है वो एक वर्चुअल गेटवे बना देते हैं। तो वर्चुअल गेट पे क्या करता है, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, इन दोनों राउटर को जो है वो हम आपस में लिंक करेंगे 192.168.168.1. इसको जो है वो 200 जो है वो मैं इसको दे देता हूँ। अच्छा, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा गेट पे इसको इन दोनों राउटर्स को जो है इनको जो है वो हम अपना एक आईपी असाइन कर देंगे, जिसको हम करेंगे वर्चुअल आईपी। तो ये जो है वो हमारा वर्चुअल आईपी होगा, जो इन दोनों राउटर पे जो है वो हम कॉन्फ़िगर कर देंगे, और फिर हम जो है ये वाला गेटवे यूज़ करेंगे। ना हम ये वाला यूज़ करेंगे और ना ही हम ये वाला करेंगे, हम सिर्फ ये वाला जो हम वर्चुअल बनाएंगे गेटवे, ये वाला गेटवे जो है वो हम यूज़ करेंगे। और फिर अगर ये वाला लिंक डाउन हो या ये वाला लिंक डाउन हो, तो हमें इससे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा, हमारी ट्रैफिक जो है वो बिना रुके जो है वो फ्लो करती रहेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम इस राउटर के जाएंगे, इस राउटर पे जाके हम इसके इंटरफेस पे जाएंगे, इसके सीएलआई में आएंगे, और इसका जो है वो पहले जो है वो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 पे आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैंड बाय कस्टमर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर मैं दे देता हूँ 10, इसके आगे लिखेंगे हम आईपी, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपना वर्चुअल आईपी 192.168.168.1.200। ये जो है वो 200 मैंने एक वर्चुअल जो है वो बना लिया, ये कमांड जो है वो एक्सेप्ट कर ली है। तो HSRP की बेसिक एक कमांड है स्टैंड बाय 10, ये ग्रुप नंबर आगे आईपी लिखेंगे, और आगे भी आईपी के आगे हम लिख देंगे अपना वर्चुअल आईपी मींस के वर्चुअल गेटवे। इसी तरह हम इसके जो है वो राउटर पे आएंगे, इसके CLI पे आते हैं, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे इनेबल में आएंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, और स्टैंड बाय ग्रुप नंबर जो है वो 10 था, इसके बाद आईपी और हमारा वर्चुअल आईपी। वर्चुअल आईपी क्या है हमारा 1.200, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 192.168.1.200। तो ये जो है वो मैंने अपना जो है वो लिख दिया। अच्छा, अब जो है वो क्या है, अब जो है वो अगर हमारा एक, अब हम इस सिस्टम पे जाएंगे और इसको जो है वो गेटवे हम देंगे, अब ना हम 100 देंगे ना ही 50 देंगे, हम यहाँ पे देंगे 200 जो है वो हमारा गेटवे है। अब जो है वो हमने 200 इसको गेटवे दे दिया, अब हम इस सिस्टम से जो है वो पिंग चेक करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे पिंग कंटिन्यू, पिंग के लिए जो है वो हम -T करते हैं 192.168.3.10। अभी जो है वो हमने पिंग जो है वो स्टार्ट की है इसकी,
ये रियल इन्वायरमेंट में है, तो अभी हम एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको, जो है वो रियल इन्वायरमेंट में लेके आते हैं। अब जो है वो हम इसकी पिंग जो है वो चेक करते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास पिंग जो है वो कंटिन्यू जा रही है। अब हम बिलफर्ज क्या करते हैं, एक लिंक जो है वो हमारा ये वाला हम डाउन करते हैं। पहले क्या किया था, हमने लिंक डाउन किया था, हमारी ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल रुक गई थी, और उसके बाद हमने गेटवे चेंज किया था तो हमारी ट्रैफिक जो है वो दोबारा स्टार्ट हुई थी। लेकिन अब जो है वो हमने एक वर्चुअल बना दिया है गेटवे, वो वाला गेटवे जो है वो हमने सिस्टम को साइन किया है। अब हम ये वाला लिंक जो है वो डाउन करते हैं। अब देखें, जैसे ही हमने ये लिंक हमारा जो है वो डाउन हो गया, लेकिन हमारी ट्रैफिक जो है वो वर्क कर रही है, हमारी ट्रैफिक जो है वो नहीं रुकी, हमारी ट्रैफिक जो है बिल्कुल उसी तरह जो है वो वर्क कर रही है। इसी तरह आप जो है वो, मैं इस लिंक को जो है वो पहले दोबारा अप कर लेता हूँ। इस लिंक को अप कर लिया, इस लिंक को अप करने के बाद जो है वो अभी जो है, जैसे ये वाला जो है वो हमारी पोर्ट जो अप होगी, हम जो है अभी एक बार इसे ये वाला लिंक जो है इसको भी डाउन करके देख लेते हैं। अभी ये पोर्ट जो है वो अप हो रही है, ये पोर्ट जो है वो अप होने में थोड़ा टाइम लगती है क्योंकि ये इलेक्शन में चली जाती है। ये जो है वो सारा हमने, जब हमने स्विच जो है वो डिस्कस किया था, सारा जो है वो हमने देखा था कि पोर्ट जो है वो कैसे अप होती है। पहले वो लिसनिंग में जाती है, फॉरवर्डिंग में जाती है, एंड पे जो है वो एक्टिव स्टेट में जो है वो आती है। अब देखेंगे जो पोर्ट जो है वो अप होगी हुई है। अब हम क्या करते हैं, पिंग चेक करते हैं। पहले हमारी पिंग जो है वो कंटिन्यू जो है वो वर्क कर रही है। अब अगर हम ये वाला लिंक जो है वो डाउन करते हैं, ये वाला लिंक अगर हम डाउन कर भी दें, फिर भी जो है वो हमारी पिंग जो है वो इस रास्ते से जाएगी, हमारा जो है वो वर्क जो है वो करता रहेगा। अच्छा, ये देखें, पिंग जो है वो हमारी कंटिन्यू जो है वो वर्क कर रही है, पिंग जो है वो हमारी नहीं रुकी, हालांकि हमने ये वाला लिंक जो है वो डाउन कर दिया हुआ है। तो स्टैंड बाय का यही फ़ायदा है कि अगर हमारा एक लिंक डाउन हो भी जाए तो हमारी ट्रैफिक जो है वो नहीं रुकती, हमारी ट्रैफिक जो है वो कंटिन्यू जो है वो फ्लो करती रहती है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इस इंटरफेस पे जाऊँ, वो इसको जो है थोड़ा इस इंटरफेस पे जाऊँ, अगर मैं यहाँ पे अगर हम देखें, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 और स्टैंड बाय क्या था हमारा 10। अगर हम ये लिखें, ये आ रहा है प्रियम्प्ट। प्रियम्प्ट का मतलब है कि अगर हमारे किसी एक राउटर को जो है वो हमने बनाना होता है, क्या बनाना होता है, मास्टर। बिलफर्ज अगर हमारा ये लिंक डाउन होता है तो ये लिंक जो है हमारा ऑटोमेटिक जो है वो अप हो जाएगा, अप हमारी ट्रैफिक जो है वो नहीं रुकेगी, ठीक है। लेकिन जब हमारा ये लिंक जो है वो दोबारा अप होगा तो क्या ट्रैफिक हमारी इसी लिंक से जाती रहेगी या दोबारा इस लिंक से जानी स्टार्ट हो जाएगी, ये डिपेंड करता है कि हमारा जो है वो मास्टर राउटर कौन सा है। ये वाला राउटर हमारा मास्टर है या ये वाला मास्टर है। अगर हमारा ये वाला राउटर जो है ये मास्टर है तो हमें क्या करना चाहिए कि जब ये लिंक डाउन हो तो ट्रैफिक इस पर मूव हो जाए। लेकिन जैसे ही ये वाला लिंक जो है वो हमारा अप हो, हमारा जैसे ये लिंक हम ठीक करें, हमारी ट्रैफिक जो है वो ऑटोमेटिक दोबारा इस लिंक से जानी स्टार्ट हो जाए और ये वाला जो है वो स्टैंड बाय में चला जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस राउटर पर आएंगे और इस राउटर पर आके हम लिखेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और इस राउटर पे हम लिखेंगे स्टैंड बाय 10, आगे हम लिखेंगे प्रीएम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीएम्प्ट। प्रीएम्प्ट का क्या मतलब है कि जैसे ही हमारा ये वाला जो मास्टर लिंक जो है या हमारा मास्टर राउटर जैसे ही अप हो, हमारी ट्रैफिक जो है वो ऑटोमेटिक इस पर जो है वो शिफ्ट हो जाए। अच्छा, इसके अलावा प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट जो होती है वो 100 होती है। प्रायोरिटी को भी हम चेंज कर सकते हैं। बिलफर्ज हम इसी राउटर पे अगर आएँ, यहाँ पे हम लिखें स्टैंड बाय 10 और आगे क्वेश्चन मार्क करें, तो ये देखें ये प्रायोरिटी आ रहा है। प्रायोरिटी लेवल क्या होता है, बिलफर्ज जब हमने इसको जो है वो प्रीएम्प्ट कर दिया, इसको जो है वो मास्टर कर दिया, तो प्रीएम्प्शन प्रायोरिटी की ज़रूरत नहीं रहेगी, इसकी प्रायोरिटी जो है वो ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी और ट्रैफिक जो है वो इसी से जो है वो मूव करेगी। इस पर जो है वो हम स्टैंड बाय की कमांड भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे शो स्टैंड बाय, अगर हम सिर्फ यही करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि स्टेट जो है वो एक्टिव जा रही है, ठीक है। फास्ट इंटरनेट 01 पे हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है और ग्रुप जो है वो 10 है, ठीक है। ये हमने और इसके प्रीएम्प्शन भी इस पर जो है वो हमने इनेबल की हुई है। एक्टिव राउटर लोकल है और स्टैंड बाय का जो हमने राउटर है वो इसका जो है वो 50 जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है प्रायोरिटी, ये देखें बाई डिफ़ॉल्ट जा रहा है, इसकी प्रायोरिटी जो है वो 100 है।
और ये हमें बता रहा है कि हमारा जो स्टैंड बाय जो आईपी है वो है 50, मीन्स कि हमें जो है ये जो है वो हमारे ये वाला बता रहा है कि ये वाला मेरा अप जा रहा है लिंक और हमारा जो है वो ये वाला जो है वो स्टैंड बाय में है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी हमें बताएगा, शो स्टैंड बाय करेंगे तो ये देखें ये हमें बता रहा है कि हमारा जो है वो एक्टिव रोटर इस टाइम जो है वो 100 जा रहा है। उसने हमें बताया था कि हमारा जो स्टैंड बाय में पड़ा हुआ है वो 50 पड़ा है और इसने बता दिया है कि मेरा जो एक्टिव रोटर है वो 100 है। इसी तरह और जो है वो हम अगर यहाँ पे कमांड देखें, शो स्टैंड बाय क्या करते हैं, शो स्टैंड बाय अगर करेंगे फास्ट इथरनेट 0/1 पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो ये हमें बता रहा है कि 0 फास्ट इथरनेट 0/1 पे कॉन्फ़िगर है, स्टेट एक्टिव है, ठीक है, 10 जो है वो स्टेट चेंजेस है, इतने टाइम से जो है वो वर्चुअल आईपी जो है वो उसका 200 है, इतने टाइम से वो जो है वो अप जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा प्रीएम्पशन जो है वो इनेबल है, एक्टिव रोटर लोकल, ये लोकल का मतलब है कि यही वाला रोटर जो है वो मेरा इस टाइम मास्टर है और यही वाला जो है वो एक्टिव जा रहा है। इसके अलावा हम चेक करते हैं शो स्टैंड बाय ब्रीफ, अगर हम ब्रीफ करेंगे तो ये देखें यहाँ पे हमें बता रहा है कि फास्ट इथरनेट 0/1 पे कॉन्फ़िगर किया है, 10 जो है वो उसका ग्रुप नंबर है, प्रायोरिटी उसकी 100 है और ये जो है वो एक्टिव है। इस मीन्स के ये वाला हमारा मास्टर है, इस पर जो है वो हमने प्रीएम्पशन ऑन की हुई है। लोकल बता रहा है, स्टैंड बाय जो है वो इसका 150 है जो कि दूसरा आईपी है और ये जो है वो बता रहा है वर्चुअल आईपी जो है वो हमने वर्चुअल गेटवे जो है वो बनाया हुआ है वो है 200। तो स्टैंड बाय बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं, स्टैंड बाय हम यूज़ करते हैं कि हमारा जो है स्टैंड बाय का जैसा कि नाम से ही जा रहा है कि स्टैंड बाय एक जो है वो हमारा लिंक अप होता है और दूसरा जो है वो हमारा स्टैंड बाय में चला जाता है। अगर हमारा एक लिंक जो है डाउन हो भी तो दूसरा लिंक जो है वो हमारा ऑटोमेटिक अप हो जाता है और हमारी जो है वो नेटवर्क में डाउन टाइम किसी भी तरह का जो है वो डाउन टाइम नहीं आता और हमारी जो ट्रैफिक होती है वो कंटिन्यू बिना किसी एरर के बिना किसी डिले टाइम के जो है वो फ्लो करती रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।